तो दोस्तों सैमसंग बहुत ही जल्द अपने बजट कैटेगरी का एक और स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जो कि होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी J9 प्लस। तो दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन के 845 का प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 5000 mAh की बैटरी। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या होने वाला है इसका प्राइस और कब तक इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिजाइन से। तो दोस्तों सैमसंग के ए सीरीज के जैसा ही आपको स्मार्टफोन में भी देखने को मिलने वाला है डिजाइन जो कि आने वाला है ग्लोसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों आपको बैक साइड में देखने को मिलने वाला है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड में आपको देखने को मिलने वाला है 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि आने वाला है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में। और उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन के फ्रंट साइड की कैमरास की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको फ्रंट में देखने को मिलने वाला 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बट दोस्तों अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि आपको इस स्मार्टफोन में एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है या एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलने वाला है। और वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की बैक साइड की कैमरास की, तो दोस्तों स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको देखने को मिलने वाला है ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट जो कि आने वाला है 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ। और उसके साथ ही यहां पर आपको 13 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलने वाला है स्मार्टफोन में। बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन के 845 का प्रोसेसर जो कि आने वाला है बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ में। और उसके साथ ही बात करें स्मार्टफोन के बैटरीज की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 5000 mAh की बैटरी जो कि आने वाला है 15W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। और वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट जो कि आने वाला है सैमसंग के वन यूआई के साथ में। और उसके साथ ही बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन का जो प्राइसिंग होने वाला है वो होने वाला है 20,000 rupees के करीबन जो कि होने वाला बेस वेरिएंट 4GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज का। और उसके साथ ही बात करें स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों अभी तक इस स्मार्टफोन का रिलीज डेट ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, बट दोस्तों स्मार्टफोन को नवंबर से पहले इंडिया में लेकर आया जाएगा। दोस्तों यही था स्मार्टफोन के बारे में कुछ लीक्स रूमर्स जो कि मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया आपसे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।